एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर, गाड़ी, तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उसने इतने ढेर सारे पैसे कमा लिए थे कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा की कमी नहीं थी। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मैंने इतनी मेहनत से ये सब मुकाम हासिल किया है, मेरे बेटे को तो ये सभी ऐसे ही विरासत में मिल जाएगा। उसे उसके जीवन में कड़ी मेहनत करने का कोई मौका ही नहीं मिल पाएगा। उसके जीवन में बचपन से ही सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा विचार आने के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को गरीबी क्या होती है ये बताऊंगा। एक दिन इस आदमी ने सोचा कि मैं अपने बेटे को ये एहसास कराऊंगा कि तुम कितने शांति से तमाम सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। उसे यह भी पता चलना चाहिए कि समाज में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, और उसे यह भी दिखाऊंगा कि गरीब लोग कैसे कठिनाइयों से अपना जीवन जीते हैं, ताकि मेरा बेटा महसूस कर सके कि उसे कितनी सारी दौलत मिली है। उसे धन दौलत का महत्व का पता चलना चाहिए, इसलिए वो अपने बेटे को एक गांव लेकर जाता है और उस गांव में एक गरीब के घर वो दोनों दो दिन रुकते हैं। उस आदमी ने अपने बेटे को पूरा गाँव दिखाया और साथ ही गाँव में बुरे हालात में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब कुछ दिखाया। उस अमीर आदमी के बेटे के लिए ये सब बहुत अलग और नया था और वो सोच विचार में पड़ गया। दोनों अपने घर पहुंचकर आराम से बैठते हैं। पिता ने अपने बेटे से पूछा, हमारी जिंदगी और उनकी जिंदगी का फर्क देखा तुमने? जरा बताओ वहां पर क्या देखा? बेटे ने कहा, पापा मैंने देखा कि जैसे हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास बहुत सारी प्यारी गाय हैं, हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास बहुत बड़ा सुंदर तालाब है, हम बंद घर में रहते हैं, वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, हम घर के बाजू वाले घर वाले को अच्छे से नहीं जानते, वहाँ तो पूरा का पूरा गांव एक परिवार जैसा लगता है, हमारे पास अच्छे बिस्तर हैं पर गांव जैसी नींद नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ में दुखी रहते हैं, वो छोटे छोटे चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं। ये कहकर बेटा पिताजी से बोलता है, धन्यवाद पापा जी मुझे बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। पिताजी को समझ आ जाता है कि असली अमीरी का सच्चा मतलब क्या होता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हम अमीरी को पैसे से तोलते हैं। जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही अमीर होगा, जबकि ये सही नहीं है। जिसके पास जितना संतोष है वही सबसे अमीर है। इसलिए तो कहता हूँ कि जब भी देखता हूँ किसी को हंसते हुए तो यकीन हो जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।